ये थी पाकिस्तान स्टार सिंगर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। आगे का सफर मुख्तसर जरूर है लेकिन इंतहाई मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ एलिमिनेशन की। जी हाँ, अब हमारे जजेस उसका नाम बताएंगे जिसको हम आगे परफॉर्म करता स्टेज पर नहीं देख पाएंगे। तो मैं तमाम कंटेस्टेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाइए। तमाम कंटेस्टेंट इस वक्त स्टेज पर आ चुके हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगी कि आज हमारे जजेस दो दो कंटेस्टेंट का नाम बताएंगे जो ये स्टेज छोड़कर वापस घर को जाएंगे। सो जजेस, वो किसका नाम है जो आज यहाँ से रुखसत होने जा रहे हैं? वो दो लोग, आई जस्ट वांट टू से कि आप सबने बहुत कमाल गाया। यू गाइज हैव डन रियली वेल। आप यहाँ पे हैं, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज यू गाइज हैव टैलेंट। और जावेद जी वाली बात कि बस 19-20 का फर्क है नंबर्स में, अनफॉर्चुनेटली, और गेम का रूल है कि somebody has to go. So हम क्या करेंगे कि हम just say it. Yeah. हम good news. Yeah, हम पहले गुड न्यूज देंगे। हम एक एक करके उस इंसान का नाम बताएंगे जो सेफ है, और बीच में जो बाकी बच जाएंगे वो सेफ नहीं है, ठीक है? So, पहला इंसान जो सेफ है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, अरसलान रियाज। आप सेफ, आप जा सकते हैं, वापस बैठ सकते हैं। कुबरा ने एक फैसला किया है कि एक कंटेस्टेंट को बचाना है और उसको एक और चांस मिलना चाहिए। सो अब हम उन दो लोगों के नाम इकट्ठे लेंगे। नवीद जाफरी, आप से मैं कितने आदमी थे? तीन। सब तीन।
यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। ये जो तीन कंटेस्टेंट्स यहाँ पे अब खड़े हैं, जो नजर आ रहे हैं, इनमें से जो बच गया वो भी अपने आप को ये ना समझे कि वो ज्यादा देर तक बच सकता है। ये वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंसेस में थोड़ी वीकनेस शो कर रहे हैं, और वो सिर्फ हमें नहीं पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रही हैं, वोटिंग लाइंस हमें बता रही हैं। हम लोग आपके लिए यहाँ पे हैं, हम लोग हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप में से जितने कंटेस्टेंट्स हैं जिनको जितना आगे लेके जा सकें लेके जाएं। तो इसलिए आज जब हम बैक स्टेज बैठे थे तो कुबरा ने एक फैसला किया है कि एक कंटेस्टेंट को बचाना है और उसको एक और चांस मिलना चाहिए। सो अब हम उन दो लोगों के नाम इकट्ठे लेंगे। इसका मतलब है कि आज एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, और जो भी एलिमिनेट होगा प्लीज वो ये ना सोचे कि वो इन बाकियों से कम है। शायद इस एपिसोड में आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी होगी जो आप यहां खड़े हैं, लेकिन जो भी तीन लोग खड़े हैं यहां, आप में से जिनको मौका मिलता है दोबारा इस शो में, प्लीज अपनी बेस्ट गेम लेके आए, क्योंकि अब आगे मुकाबला हमारे लिए बहुत टफ है। हम अपने लिए चीजें मुश्किल कर रहे हैं। ये कुबरा ने लड़के एक कंटेस्टेंट बचाया आज। हम नाम नहीं लेंगे कि वो एक कंटेस्टेंट कौन है, इसलिए हम दोस्त से जो है उनके नाम लेंगे। इससे पहले कि हम नाम लें, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि अगर आप सेफ हो जाते हैं तो क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो आप अगले एपिसोड में करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि जो मुझे क्रिटिक्स मिले एंड जो आप लोगों ने मुझे समझाया उस पे पहले वर्क करना है। दूसरी चीज़ के अपने स्टाइल को, लाइक जॉनरा जो है, अभी जैसे कि मुझे डिफरेंट गाना मिला पंजाबी, आई हैव नेवर डन पंजाबी सॉन्ग, तो उसमें मैंने अपना ए गेम देना है। बिकॉज आज जो हो गया वो हो गया। इफ आई विल गेट द चांस देन यू विल सी द शिमरॉन यू ऑलवेज सी। ओके नसीम जी, सबसे पहले पाकिस्तान स्टार में माशाल्लाह बोल चैनल ने जो है एक बहुत अच्छा न्यू टैलेंट को चांस दिया आगे बढ़ने के लिए, और मेरा तो यही है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मेरी बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोल चैनल की वजह से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो बोल चैनल ने दिया है ये सारा क्रेडिट बोल चैनल का है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। और कंपटीशन से अगर बाहर भी चला जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि सबको ही जॉनरास मिल रहे हैं। मेरे लिए भी यही है कि मैंने भी हर एक जॉनरे के अंदर ही मैंने परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जो भी यहाँ से मुझे परफॉर्मेंस मिलेगी मैं उसको भरपूर तरीके से निभाने की पूरी कोशिश। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। निशान जी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह मैं फर्स्ट एपिसोड से मैंने स्टैंडिंग ओवेशन ली, फिर उसके बाद से मतलब काफ़ी सारी अच्छी रिस्पांस हुआ सर उमैर सर की तरफ से, आपकी तरफ से, तो मेरी दोबारा से कोशिश यही रहेगी कि जो मेरा एक स्केल बन चुका था तो मैं उसको दोबारा से मतलब उस स्केल पर दोबारा आ सकूँ और आपको मजीद खुश कर सकूं और उससे अच्छा परफॉर्म कर सकूं। चलें इससे पहले कुबरा अनाउंस करें वो दो लोग जो सेफ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आज हमें छोड़ के जाए अपना दिल छोटा ना करे। हम सब एक फैमिली बन चुके हैं, हमें भी उतना ही दुख होता है जब आप में से कोई जाता है। आप सब हमारे दिल के उतने ही करीब है, कोई बड़ा छोटा, कोई ज्यादा पसंद, कोई कम पसंद नहीं, सब एक जैसे ही। आपका टैलेंट आपको आगे लेके जा रहा है। सो ये मुश्किल फैसला अब कुबरा करेंगी। पहला इंसान जो सेफ हो रहा है उसका नाम है नसीम खान।
और जो दूसरा इंसान सेफ हो रहा है और लिटरली 19-20 के फर्क से बचा है, उसका नाम है इसका मतलब ज़िशान अली हैदर, वी रियली सॉरी, माजरत ख्वाह हैं हम कि नहीं, मैं यहाँ तक आया ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और आपको होना भी चाहिए, आपको इतनी स्टार्निंग वेशंस मिली हैं कि आई थिंक हम खुद काउंट भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो बस इतना ही है कि बोल की टीम ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इस प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करना और आप सबसे इतना प्यार मिला, बोल की टीम से इतना प्यार मिला, मेरे लिए इतना काफ़ी, ये मेरे लिए जीत है बस। शान, आपने एक काम ज़रूर करना है, आपने अब वापस जब जाएं जी, एक तो ये कि आपने दोबारा ज़रूर आना है क्योंकि आप इतना अच्छा टैलेंट हैं, हम आपको ज़रूर दोबारा देखना चाहेंगे। ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस को वापस जा के ज़रूर देखें और खुद सोचें और देखें कि क्या कमी रह गई और उसको बेहतर करें। अगर आप उसको बेहतर कर गए तो आप दुनिया फतेह कर जाएंगे। और एक चीज़ मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आपने देखा है ज़िशान ने कितना अच्छा गाया थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, इसका मतलब यही है कि एक ही एपिसोड क्या कर सकती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एपिसोड को आप ऐसे परफॉर्म करें जैसे वो आपकी लास्ट है, ओनली देन यू विल गिव इट योर बेस्ट। और शिमरॉन, प्लीज टेक दैट एडवाइस वी हैव गिवन यू, चेंज अप योर जॉनर अ लिटिल बिट क्योंकि यू हैव एस्ड दैट जॉनर ना, तो गिव अस समथिंग एल्स। और बाकी सब बेस्ट ऑफ लक, एंड ज़िशान जी बहुत शुक्रिया आप आए, एंड इट वॉज एन ऑनर फॉर अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबदन खाइयो दोने नमत खाइयो। जैसा कि जिस बात का मुझे खतरा था और वो ही हुआ, मैं अब इस शो में नहीं रहा तो बड़ी अजीब सी फीलिंग भी हो रही है जाहिर है, क्योंकि एक रिश्ता सा बन चुका था हमारे दरमियान, क्योंकि बोल की जो टीम है और वो लड़के बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने फीडबैक दिया, साथ दिया और काफ़ी सपोर्ट रही सबकी, बड़ा प्यार मिला हमारे बीच, एक फैमिली का जैसे एक माहौल बन जाता तो हमारे दरमियान वो बन चुका था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने बोल के लोग थे उन सब ने बहुत प्यार दिया, तो उन सब के लिए दुआएं और शुक्रिया आपके इस प्यार का, और अभी तक आपने बहुत साथ दिया, तो दुआएं अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और आपने मेरे हक में ज़रूर दुआ करनी है। थैंक यू सो मच और अभी तक के प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गए आजा बलम परदेसी नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसिया। जैसे कि आप सबने देखा, ज़िशान को बहुत दुख और अफसोस के साथ आज हमें यहाँ से रुखसत करना पड़ा। कम लोग लेकिन कड़ा मुकाबला। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट पाकिस्तान स्टार का ये टाइटल जीते तो प्लीज़ अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद परफॉर्मेंसेस के साथ और मज़ीद सरप्राइजेस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान स्टार, दम है तो जीतो।